नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दोस्तों नोटिस किस तरह से जो है वीवोस के साइट पे चेक करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे जैसे कि दोस्तों बहुत सारे जो बच्चे हैं दोस्तों, जैसे कि उनका जून जुलाई वाले जो बच्चे हैं वो लोग बार 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 पूछते रहते हैं कि दोस्तों कि सर हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये घबराने की बात नहीं है दोस्तों। जो भी जिस तरह का भी नोटिस है वो आप लोगों को आप वेबसाइट पे जाके भी वो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दोस्तों आप लोगों को जानकारी चाहिए तो भी वो उसके साइट पर जाइए कि कब होगा एग्ज़ाम, नहीं होगा एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड कब पब्लिश होगा, रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, सारी जो है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है दोस्तों आप लोगों के 10th 12th के जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है सारी जो है दोस्तों नोटिस बोर्ड में आप लोगों को जानकारी दे दी जाती है। आप लोग जो है नोटिस बोर्ड का यूज करके दोस्तों कि अपनी बहुत सारी जानकारी जो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि भी वो जो है बिहार ओपन बोर्ड जो है क्या एडमिट कब जारी, आप लोगों का एडमिट जून जुलाई वाले सेशन का भी एग्ज़ाम बाकी है तो उन लोगों का एडमिट कार्ड जो है जल्दी क्या जारी किया जाएगा दोस्तों, सितंबर में जो है उन लोगों का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा जून जुलाई वाले सेशन के स्टूडेंट का। ठीक है दोस्तों, आप लोग एडमिशन का जो दोस्तों सॉरी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने खोल रखा है वीवोस का जो ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो है वीवोस का ऑफिशियल वेबसाइट। और ये देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है आप लोगों को रिजल्ट 2019 वाला, यहीं पे आप लोगों को दोस्तों रिजल्ट का जो है हट जाएगा और यहीं पे आप लोगों को क्या एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। यहीं पे आप लोगों को एडमिट कार्ड आप लोगों का रिजल्ट हट जाएगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड जून जुलाई सेशन 2020। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए। और आप लोगों को अगर नोटिस देखना है कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या जो है नोटिफिकेशन आया है, कब आएगा एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को बी बोस के साइट पर विजिट करना नहीं आता तो बाद में मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, वीवोस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, जैसा कि मैं पहले से जा चुका हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि हमारा जो है फॉर्म कब भराएगा, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा दोस्तों, हमारा क्या सर्टिफिकेट कब है, सारी चीज़ें जो है ये नोटिस बोर्ड पर दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ पर दोस्तों, आप जो है बुलेटिन बोर्ड पे क्लिक करेंगे हम। चलिए क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एक नोटिस का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नोटिस का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है जितनी भी जानकारी चाहिए आप लोगों को सारी जानकारी इस नोटिस बोर्ड पर वीवोस की तरफ से आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नोटिस को क्लिक किए। जब भी हम नोटिस को क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक पेज जो खुला है, यहाँ पे वीवोस मतलब बिहार ओपन बोर्ड की तरफ से नोटिस जो जारी किया गया, ये सारी नोटिस है। ठीक, देखिए दोस्तों ये सारी नोटिफिकेशन है, देखिए दोस्तों ये सारी जो है नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से किसी भी चीज़ का जो है नोटिफिकेशन जो है देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग जून दो, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा ये इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर जून एग्ज़ाम 2020। ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों जून आप लोगों का जून जुलाई वाला जो सेशन अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ उसका रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों का फॉर्म भरा है, अप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में इसमें नोटिस दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं कि नोटिस क्या दिया हुआ है। तो जब ये इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से हमारा ये पेज खुलेगा एक, देखिए इस तरह से। चलिए दोस्तों ये देखिए, ये है, ये दोस्तों क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये जो जब आपका क्या है अप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा था, देखिए दोस्तों यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम परीक्षा जून 2020 के बारे में दिया गया है। परीक्षा आवेदन पत्र मतलब दोस्तों जो आप लोगों का एग्जामिनेशन जो फॉर्म जो है उसके संबंध में इसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिन मतलब स्टडी सेंटर के बच्चों का जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ था, फ़ी जमा नहीं हुआ था, उनका जो फ़ी जो है ये भी वो जो है जमा करवाने के लिए बोल रहे थे स्टडी सेंटर वाले। आप लोगों ने जहाँ भी स्टडी सेंटर चूज़ किया उन लोगों से ये बोल रहे थे कि आप लोग जो है बैंक ड्राफ्ट बनाकर इनका ये नोटिस है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब है जिस तरह की भी नोटिस निकलती है तो आप लोग यहाँ से नोटिस जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ से आप लोग नोटिस चेक कर सकते हैं, सारी नोटिस चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों जून जुलाई वाले सेशन वाले बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो यहीं पे आप लोगों का नोटिस आ जाएगा। जब भी आप लोगों का आएगा दोस्तों यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड जो है जल्द जारी कर दिया जाएगा। आप जो वेबसाइट खोलेगा और यहाँ पे देखते रहिएगा दोस्तों कि नोटिस आया नहीं आया रिजल्ट के बाद। यहाँ रिजल्ट का जो है, ये रिजल्ट जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं रिजल्ट अभी जो दे रहा है, ये रिजल्ट जो हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड लिखा हो जाएगा, एडमिट कार्ड का नोटिस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी नोटिस आता है दोस्तों फॉर्म भरने से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम के संबंधित, ठीक है दोस्तों, तो सारी नोटिस जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपडेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता चल गया दोस्तों कि नोटिस कैसे देखना है, आप लोगों का एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कैसे चेक करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गया है। तो अब आप लोगों को दोस्तों कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्या करेगा, वीवोस के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा। अगर आप लोगों को किसी तरह के नोटिस चेक करना है या फिर एडमिट कार्ड चेक करना है तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर चेक करिएगा। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड और रिजल्ट जो है दोस्तों, एडमिट कार्ड और रिजल्ट दोस्तों ध्यान से ध्यान दीजिए, एडमिट कार्ड और रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे, यहाँ तो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को पब्लिश किया जाएगा। और दोस्तों फॉर्म भराने से रिलेटेड कोई भी है दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दिसंबर वाले सेशन का जो है अभी फॉर्म भराया नहीं, उनका फॉर्म जो है अक्टूबर में भराता है। ठीक है, दिसंबर वाले सेशन के जो भी बच्चे हैं, दिसंबर 2020 के जो भी बच्चे हैं दोस्तों, उनका जो फॉर्म है वो दोस्तों अभी भराया नहीं है, उनका फॉर्म भी दोस्तों अक्टूबर में जो है भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कैसे चेक करेंगे कि हमारा फॉर्म अक्टूबर में भरा, तो आप लोगों को दोस्तों यहीं पे यहीं पे नोटिस बोर्ड में ऊपर में आएगा दोस्तों कि दिसंबर वाले सेशन का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा यहीं पे नोटिस आ जाएगा। और जून जुलाई वाले 2020 के जो स्टूडेंट है उनके जो एडमिट कार्ड अभी जारी होगा वो यहाँ पे जारी होगा, आप लोग अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड जो रिगार्डिंग जो है सारी जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे, कब हमारा एडमिट कार्ड आएगा, कहाँ पे हमारा एडमिट कार्ड, कहाँ पे एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिट कार्ड किस तरह से हम चेक करना है चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन नोटिस कैसे चेक करना है, सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को क्या करता हूँ, आप लोगों को मैं गूगल पे सर्च करके बताता हूँ, अगर आप लोगों को विजिट करना नहीं आता है वीवोस के साइट पे तो मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएं। क्रोम ब्राउज़र इसलिए मैं आप लोगों को करता हूँ दोस्तों क्योंकि वहाँ पे जो है दोस्तों क्रोम ब्राउज़र पे डेस्कटॉप मोड होता है, सारा चीज़ है लैपटॉप जैसा खुलता है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा बड़ा फाइल भी जो होता है वो दोस्तों क्या होता है क्रोम ब्राउज़र पे खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए चलिए दोस्तों गूगल पे हम सर्च करेंगे वीवोस लिख के, वीवोस हम लिख के सर्च कर दिए तो हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में जो है दोस्तों क्या है वीवोस जो है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। जब भी आप इसको क्लिक करिएगा दोस्तों वीवोस के बिहार ओपन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह से चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को अगर नोटिस चेक करना है तो आप नोटिस के लिए मैंने अभी बताया तुरंत बुलेटिन बोर्ड पे आप लोगों को चेक करना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप बुलेटिन बोर्ड को क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ देखिए नोटिस। ठीक है दोस्तों, आपको नोटिस पे क्लिक करना है, जब भी आप नोटिस पे क्लिक करिएगा तो आप लोगों को वीवोस की तरफ से जितना सारा नोटिस दिया जाता है ये सारी नोटिस आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वीवोस की तरफ से जो नोटिस है यहाँ पे सारी नोटिस आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को नोटिस जो है नोटिस से रिगार्डिंग सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप लोगों को ये वीडियो जो है आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए इसमें आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल पे क्या करिए जुड़े रहिए। इस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।